महाराष्ट्र की राजनीति में किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। कौन कब किस तरफ चला जाए, यह भरोसा उन सहयोगियों को भी नहीं है जो एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस, एनसीपी, पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट के साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने चिट्ठी लिखकर इस बात का डर जताया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के नेता भी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी के जितेंद्र आवाड को संबोधित अपने पत्र में बकायदा लिखित गारंटी मांगी है कि उनकी पार्टी का कोई सदस्य चुनावों के बाद बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगा। पूरा मामला आपको बताएं, उससे पहले प्रकाश अंबेडकर के मराठी में लिखे खत का मजमून सुना देते हैं। श्री जितेंद्र आवाड जी, आपको व्यक्तिगत रूप से यह पत्र लिख रहा हूं, लेकिन यह पूरी एनसीपी को संबोधित है। इस चिट्ठी के जरिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के प्रतिनिधि महाविकास अघाड़ी की बैठकों में मौजूद थे जब मैंने ये कहा था कि हमें मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि चुनाव के बाद हम बीजेपी या आरएसएस से कोई समझौता नहीं करेंगे। आपकी पार्टी के सदस्य भी वहां थे, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी की बैठक में जब हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि हमें मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि चुनाव के बाद हम बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, तब आपके सभी नेता खामोश बैठे रहे। उन्होंने एक तरह से इस प्रस्ताव का मौन विरोध किया। सिर्फ आपने ही कहा था कि ये बात लिखित में देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बैठक में मौजूद संजय राउत ने लिखित आश्वासन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पहले भी एक बार आपकी पार्टी बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी, इसलिए महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि चुनाव के बाद आपकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। आखिर लिखित में यही बात देने में क्या समस्या है? इस कड़ी में अगर हमें आपके गठबंधन में बने रहना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लोग बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रकाश अंबेडकर की इस मांग पर कांग्रेस ने कहा कि किसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना सही नहीं है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर का डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां दो टुकड़ों में बट चुकी हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। वहीं विपक्ष में शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। प्रकाश अंबेडकर की चिट्ठी के बाद विपक्षी एकता की कलई खुलती दिख रही है। वहीं ये भी नजर आ रहा है कि सहयोगियों को एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं रहा है। बता दें कि बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तैयार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, वहीं कांग्रेस 15, शरद पवार की पार्टी 9 और वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 और स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट दी जा सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।